ये पार्टिकुलर जो रीजन होता है, काफी रीजनों के कारण हमारा इम्यूनिटी घट सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा इम्यूनिटी कम? तो अगर आपकी स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगा, सिंपल है। या कहीं से भी देख सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई भी बीमारी होने से आपका रिकवर स्लो डाउन होता है, आपकी जो हीलिंग प्रोसेस होता है स्लो डाउन होता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी कम है। अगर आप फ्रीक्वेंटली स्टोमक प्रॉब्लम में आपको फेस करना होता है, आज गैस, कल लूज मोशन या डिसेंटरी या कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन या पेट का जितना भी प्रॉब्लम, स्टोमक का प्रॉब्लम होता है, अगर आपका बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, वीकली 2 3 4 दिन होता रहता है, देन आपका इम्यूनिटी लो हो जाएगा। अगर आप साल में 2 या 3 बार कोई बुखार या इलनेस में गिरते हो, मीन्स आपका इम्यूनिटी लो है। अगर आप फ्रीक्वेंटली एलर्जी का प्रॉब्लम होता है आपका, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडिंग, मीन्स ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी इम्यूनिटी कम। एंड अगर आप बहुत ही टायर्ड फील कर लेते हो, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी टायर्ड फील करते हो, देन ऑल्सो आप ये सोच सकते हो कि आपकी इम्यूनिटी कम है ना। ये इम्यूनिटी डिपेंड करता है, एक्चुअली अगर हम देखेंगे कि इम्यूनिटी डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके जो जिस कंडीशंस में आप रहते हो उसके ऊपर इम्यूनिटी डिपेंड करता है। सो वी आर लॉन्चिंग इन 24th of April। हम लोगों ने क्या लॉन्च किया है? वी हैव लॉन्च, ये हम लोगों ने समर लॉन्च किया है विथ 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स। और ये डिमांड था, ये काफी लीडर्स का डिमांड था और हमने फुलफिल किया। नाउ थिंग इज दैट कि एंशियंट आयुर्वेदा में अगर आप देखोगे, एक पर्सन का इनर बैलेंस ऑफ द बॉडी, शरीर का इनर बैलेंस को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, तो एंशियंट आयुर्वेदा में बोला गया था कि अगर आपका ये दशास, 3 दशास अगर सही ढंग से चलता रहे, तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। जैसे कि 3 दशास क्या है? बता, विच इज कम्पोज ऑफ स्पेस एंड एयर, पिता जो फायर एंड वाटर से कंपोज होता है, एंड कपा जो कि अर्थ एंड वाटर से कंपोज होता है। और ये जो 5 इलेमेंट्स है, ये 5 इलेमेंट्स एक्चुअली डिपेंड करता है आपके जो बैलेंस बैलेंस होता है, ये दोनों बायोस्टेटिक एनर्जी के ऊपर आपके हेल्थ डिपेंड करता है। अगर ये बायोस्टेटिक एनर्जी का इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर आता है सही ढंग से, तो बैलेंस रहता है। अगर आपके सही ढंग से नहीं आता है, तो आपके शरीर का इंटरनल पार्ट इनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से आपका इम्यूनिटी घट सकता है। नाउ इनसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, दे आर सेइंग कि टेकिंग चमक ब्रास एज ए आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रोमोटिंग मेजर। अगर आप शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाते हो, देन चमन ब्रास, क्योंकि चमन ब्रास आयुर्वेदा का सबसे पुराना प्रोडक्ट है। और ये भी दिया गया है कि चमन ब्रास जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके शरीर के जिनको जो इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल द दशास, जो 3 दशास हम लोगों ने बात किया, तीनों दशास के लिए ये चमनब्रास काफी अच्छा माना जाता है। नाउ हम लोगों का जो चमनब्रास है, इसमें हम लोगों ने 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स डाला है, अलोंग विथ प्योर घी, सिसमी ऑयल, आंवला एंड हनी हम लोगों ने दिया है, जिसका कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं होता है। टेस्टेड ऑल वन ऑफ टेस्टेड अदर कंपनीज चमनब्रास आल्सो। आई आई कैन टेल यू व्हाट डिफरेंस इज डियर। इन आवर चमनब्रास एवरी बाइट यू विल हैव द सेम टेस्ट, बट इफ यू टेक द अदर कंपनीज चमनब्रास, बट आई फील इनिशियल स्टेज में चमनब्रास ठीक रहता है, बट इनर अगर आप थोड़ा सा खा लेते हो, उसके बाद अगर यू फील टेस्ट इज डिफरेंट, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट सेम एंड द इंग्रीडियंट ऑल्सो लेसर इंग्रीडियंट मेनी कंपनीज आर प्रोवाइडिंग। नाउ हम लोगों का जो चमनब्रास है, उसमें जो 40 हर्ब्स हम लोगों ने दिया है, 40 इंग्रीडियंट हम लोगों ने दिया है, उसमें से काफी ऐसा इंग्रीडियंट है जिसको बारे में आपको पता है, काफी सारा ऐसा इंग्रीडियंट है जिसका वर्ड आयुर्वेदा में दिया हुआ है, आपका ज्यादा पता नहीं है। लेकिन ये जितना भी दिया हुआ है, उसमें अगर आप देखोगे, ये आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को रिड्यूस कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देता है, आपके लीवर के लिए अच्छा है। आप अगर देखोगे, शरीर का जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। अगर आप देखोगे, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो होता है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम, या आपके जो टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, जो अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं, उसमें भी काफी अच्छा काम करता है। देन यू कैन से यूरिनरी इन्फेक्शन या यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है, उसमें भी काफी काफी होता है। लेकिन चमनप्रास अगर आप देखोगे, ये आपके इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है,
आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर बना देता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर बना देता है, आपके स्टेमिना को और स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इवन मेमोरी एंड कंसेंट्रेशन के लिए भी काफी अच्छा है। आपके घर में अगर बच्चा है अलोंग विद जो हम लोग बोलते हैं ना ब्रेन एक्टिव, उसके साथ चमनप्रास अगर देते हो आप बच्चे को, तो बच्चा इंटरनली काफी स्ट्रांग भी बन जाएगा और उसका स्टेमिना स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के फाइट करने में हेल्प करता है। अगर आपके हार्ट के प्रॉब्लम है या आपके कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, देन यू कैन ऑल्सो हैव चमनप्रास। अगर आपके एजिंग प्रोसेस काफी स्पीड से बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्रोफिट, लिप्स में क्रैकिंग आना शुरू हो गया है, देन चमनप्रास कैन हेल्प यू। अगर आपको लगता है कि आपके स्किन में काफी सारा मीन्स क्लियरिटी नहीं है, काफी सारा दाग धब्बा है, स्किन क्लियरिटी में भी ब्लड प्यूरिफिकेशन के टाइम पे भी चमनप्रास कैन हेल्प यू अ लॉट, एंड देन टॉक्सिन्स को हटाने में भी ये काफी अच्छा काम करता है। तो आई विल नॉट गो ऑल दोस आयुर्वेदिक वर्ड्स, क्योंकि ये सब आपको जरूरत नहीं होता है। सिंपल आप याद रखिए कि स्टोमक फायर को एनहेंस करता है, डाइजेशन एपाटाइट को, नोजिया वोमिटिंग को प्रिवेंट करता है, अगर इंटरनल कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है, कॉफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सांस लेने में जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी ये काफी अच्छा काम करता है, इनडाइजेशन में अच्छा काम करता है, बर्निंग सेंसेशन को रिड्यूस कर देता है, एक्सेसिव थ्रस्ट अगर आप फील करते हैं उसको कंट्रोल करता है, हार्ट प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करता है, आपके आंखों के पावर को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है, एनीमिया के लिए काफी अच्छा है, स्पेशली लेडीज के लिए एनीमिया इज अ वेरी बिग चैलेंज इन इंडिया, 70% ऑफ इंडियन वुमेन्स आर हैविंग एनीमिया। देन ट्यूबरकुलोसिस में काफी अच्छा काम करता है, टीबी जिसको हम बोलते हैं उसमें काफी अच्छा काम करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, फीवर में भी ये काफी अच्छा काम करता है, देन डायबिटीज के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसमें हम लोगों ने दिया हुआ है कि मसल स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस लेवल को भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो तब भी आप इसको ले सकते हो। एंड एक उम्र के बाद होता है ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उसमें भी ट्रीटमेंट में ये काफी अच्छा काम करता है। नाउ ऑल टूगेदर अगर आप देखोगे एडल्ट को कितना लेना है, एडल्ट को दिन में 2 चम्मच लेना है, चीनी जो खाते हैं ना टीस्पून फुल 1 चम्मच में 12 ग्राम करके दिन में 2 बार लेना है, और बच्चा जो है 3 साल से 12 साल के बीच में उनको 1/2 टीस्पून लेना है, 6 ग्राम करके दिन में 2 बार लेना है। इसका प्राइस भी काफी कॉम्पिटिटिव है, डीपी प्राइस इज जस्ट 185 रुपीज। सो ये जो है काफी चैलेंजेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड ऑल्सो वी हैव ए सोल्यूशन चमनप्रास। हम लोगों ने इस पहले भी जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था एंजाइटी के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, मसल पेन के ऊपर, एंड एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरा दिन भर थकान में रहते हैं, उसके लिए वी हैव अवर अश्वगंधा। सो एवरी प्रॉब्लम देयर इज ए सोल्यूशन, बट आपको फेस करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा सिचुएशन में मुझे क्या करना है। सो आई एम स्टॉप शेयरिंग। तो हम लोगों के बीच में आज हम लोगों का काफी ऑफिशियल प्रेजेंट है, जैसे कि माय कलीग्स आर आल्सो प्रेजेंट, ऋतुराज इज आल्सो प्रेजेंट, एंड आवर रीजनल हेड मिस्टर मनोज आचार्य सर इज आल्सो प्रेजेंट। सो मैं देर नहीं करूंगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम। सो लेट मी चेक, जस्ट yeah, I'm just trying to make him, just 1 minute. थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण बार बार I am trying but unable to. Okay. So I am making Monu sir now host. Please, Monu sir, please on the stage, virtual stage. But you are right? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। और audible पे है? Yes sir. थैंक यू सर, थैंक यू रघुजीत जी, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, जो अभी फिलहाल के हालात में तो ये जरूरी है, अभी सब इसके पीछे भाग रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाओ और अपने आप को ठीक रखो, तो जो भी आपने बताया है, जो
हमारे एस्टीम्ड मोदी केरियंस है, ये लोग सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि ये लोग काम पे लगाएंगे उसको जरूर और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो पहले तो सब जितने भी यहाँ पे 200 से ऊपर लोग हैं सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सेफ है, हेल्दी है, सुरक्षित है और जरूर वैक्सीनेशन भी करवाइए। अभी लेट मत कीजिए, जहां पे भी मौका मिले वैक्सीनेशन करवा दीजिए क्योंकि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। तो आप आज का जो टॉपिक रखा हुआ है वो भी वैसे ही है, सिचुएशन के मुताबिक ही है कि प्रॉब्लम्स तो है हमारे पास, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसका अंदर वो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि सॉल्यूशन तो वहां पे ही है। प्रॉब्लम में छुपा रहता है सॉल्यूशंस। बातें करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे आप लोगों से और हर हफ्ते हम लोग ऐसे एक मीटिंग रखते हैं जहां पे हम लोग आप लोगों से बातचीत कर सके, आप लोगों से शेयर कर सके कि क्या चल रहा है मोदी केयर में और एमएलएम इंडस्ट्री में और आगे हम लोगों को कैसे बढ़ना है। तो जैसे लास्ट मंथ वीक का जो मीटिंग में मैंने बोला था कि लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस था आप लोगों का दैट वाज सुपर, और कैसे आप लोगों ने किया ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है। लोगों का चेक्स भर गए, रिकॉग्निशन हो गया, लोगों का टाइटल्स भर गया, काफी सारा आरबीडी जीबीडी प्रेसिडेंशियल प्लेटिनम निकल के आ चुके हैं और साथ में हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल भी मंथ के टाइम पे भी भर गया। तो ये ओनली संभव हुआ, ये पॉसिबल हुआ कि आप लोग साथ में थे, आप लोग मोदी केयर का साथ में काम कर रहे हैं और आप लोग मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में है। तो आज कुछ दूसरा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये प्रॉब्लम तो आते रहेंगे ये आप जान लीजिए, तो उसका अंदर ये सॉल्यूशंस कैसे निकालना है ये हम लोग को ढूंढ के निकालना है। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा और अगला 40-45 मिनट्स में जो भी डिस्कशन है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन के साथ माहौल के साथ अपने आप को ढाल सकते हैं। आप लोगों ने देखा है कि किसी बाउल में थाली हो या कोई भी पात्र हो उसमें आप कोई पत्थर का टुकड़ा रखेंगे तो क्या गल जाएगा? नहीं गलेगा, वो वैसे रहेगा कि वो पत्थर है, सख्त है, वो आप अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से डाल नहीं सकते। बट पानी आप डालेंगे तो पानी पूरा बाउल में वो फैल जाएगा क्योंकि तो उसको पता है कि कैसे मुझे मोल्ड करना है। तो यहाँ पे जो है आपको मोल्ड करना है मतलब सिचुएशन का मुताबिक आपको चलना है और जो भी प्रॉब्लम्स आपका पास आए उसका कैसे सॉल्यूशंस निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताया, मैं आपको बताता हूं। आप एग्री, कुछ लोग एग्री भी करेंगे कुछ डिसएग्री भी करेंगे। प्रॉब्लम्स आते ही पहला तो चीज है हम लोग काफी डर जाते हैं, तो स्वाभाविक है, सबके साथ होता है ये चीज। बट हम लोग इतना पीछे उसका पड़ जाते हैं कि सोल्यूशन हमको कितना जल्दी चाहिए और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम तो आया है हमारे सामने, करेक्ट, लेकिन हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि प्रॉब्लम को समझने से पहले हम सॉल्यूशंस के पीछे भागते रहते हैं। कोविड आया, लोग बोलना शुरू कर दिया भाई इससे बचे कैसे, वैक्सीनेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आया कितना, 1 या 1.5 साल का बाद। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम को पहले पहचानना पड़ेगा।
यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन ओनली यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम को पहले पहचानना पड़ेगा देन यू कैन ओनली फाइंड द सॉल्यूशन. प्रॉब्लम आने का साथ साथ ही अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के पीछे भागते रहेंगे तो वो और बढ़ता रहेगा. एक आज मौका है, कहानी से शुरू करता हूं छोटा सा. मुझे स्टोरी बोलना अच्छा लगता है और ये स्टोरी सबने सुना है, सबने यहाँ पे जो जो बैठा हुआ है सबने सुना है, फिर भी मैं बोल रहा हूं आज कि गुरु जी बैठे हुए हैं अपने शिष्य के साथ, उनको ज्ञान दे रहे, उनको सलाह दे रहे लाइफ में कैसे चलना है, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है और अपने लाइफ में कैसे डेवलप उन्नति करना है, सक्सेस होना है. आप लोग जो भी लोग यहाँ पे है मोदी के प्लेटफॉर्म में, सबको ही सक्सेस चाहिए, 100% लोगों को सक्सेस चाहिए. तो गुरु जी इन लोगों को सिखा रहे हैं कि लाइफ में सक्सेस कैसे करना चाहिए. तो काफी सारा लोग थे सुन रहे थे उनको गुरु जी को. तो गुरु जी ने बोला भाई आप लोग आज इतना शांत क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, आज आप लोग काफी शांत लग रहे हो, कोई कोई सवाल नहीं कर रहे हो, आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो, क्या है. तो पीछे से 50 और सामने से 50 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, गुरु जी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है. तो गुरु जी ने बोला प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है. तो किसी ने बोला इनकम ही नहीं हो रहा है, खत्म हो गया सब कुछ. किसी ने बोला मेरा पास खुद का घर नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, रेंटेड हाउस में रहता हूं बहुत प्रॉब्लम होता है. किसी ने बोला ऑफिस जाने में बहुत प्रॉब्लम है, गाड़ी नहीं है बहुत प्रॉब्लम है. किसी ने बोला बच्चे को प्रॉब्लम है, अच्छे स्कूल में दे नहीं पा रहा. शुक्र है उस मीटिंग में मोदी केयर का कोई नहीं था, नहीं तो गुरु जी को यह भी बोल देता कि गुरु जी ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा हूं, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. भगवान कृपा करे उस मीटिंग में मोदी केयर का कोई नहीं था, सब बाहर का लोग. तो गुरु जी बोला मैं तो सॉल्यूशन दे सकता हूं आप लोग अगर आप लोग तैयार है. बोलो आप लोग तैयार है, मैं सबको आज ही प्रॉब्लम से मुक्त कर दूंगा. तो सारे लोगों ने बोला, सबने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ सर हमको तो प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरह से हम प्रॉब्लम से आपको मुक्ति करवा दो. तो गुरु जी बोला आप लोग शायद देखा नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग जब आश्रम आ रहे थे वो रास्ते में था. कितना सुंदर जगह, कितना पेड़ पौधे, कितना फूलों का पेड़, फलों का पेड़ और बहुत सारे पक्षियां घूम रहे हैं, बहुत सुंदर माल है. और सारे लोग जो वहां पे रहते हैं इतना प्रॉब्लम फ्री है, इतना मजे से रह रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते. सारे लोगों ने चिल्ला के बोला गुरु जी हमको तो वहां ही जाना है, आप हमको वहां पे लेके चलिए जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो प्रॉब्लम फ्री एरिया देखना चाहता है और प्रॉब्लम से मुक्त पाना चाहता है. गुरु जी कहा चलो. सारे शिष्य को लेके गुरु जी चल दिए प्रॉब्लम फ्री जिंदगी पाने के लिए.
जाते जाते गुरु जी एक जगह पर रुक गए और बोला लोगों को, शिष्य लोगों को, ये देखिए कितने आराम से हजार लोग यहां पे सो रहे हैं, ना कोई प्रॉब्लम है, ना इन लोगों का पास कोई मुश्किलें हैं, ना इन लोगों का पास कोई असुविधा है, ना इन लोगों को कल घर का भाड़ा देना है, कल ना इन लोगों को बच्चे लोगों का स्कूल का फीस देना है, ना जिंदगी में सक्सेस पाना है। ये लोग शांति से बैठा हुआ है, इन लोगों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों ने बोला, गुरुजी ये कौन सा जगह है? तो गुरुजी ने जवाब दिया, ये कब्रस्तान है, यहाँ पे जितने लोग सोए हुए हैं, ये लोग बहुत शांति से आराम से सोए हैं। तो आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं प्रॉब्लम फ्री लाइफ के लिए, तो आप लोगों का स्वागत है। तो सारे लोग हाथ खड़ा करते, नहीं 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 गुरु जी, हम जहां पे है प्रॉब्लम का सब वही ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉब्लम फ्री जिंदगी नहीं पाना चाहते। हम लोग जहां पे है वहां पे ठीक है, हम लोगों को प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं चाहिए। तो लोग क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड मैं कॉल कर लेता हूं। तो जब गुरुजी ने उनको दिखाया कि ये लाइफ का प्रॉब्लम एंड मतलब आपको वहां पे जाना है जहां पे लोग शांति से सोया हुआ है, तो सारे लोगों ने बोला, नहीं हमको ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, हम प्रॉब्लम का साथ ही सही है। तो दोस्तों, अगर आपका जिंदगी है तो आपका साथ में प्रॉब्लम भी रहेगा, और अगर आप प्रॉब्लम फ्री जिंदगी चाहते हो तो जगह बताए आप लोगों को, जिसको कहीं नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है, और भगवान करे किसी को लेके जाए, तो हमको यहाँ पे ही रहना है, इस धरती पे ही रहना है और प्रॉब्लम का साथ रहना है। अभी हमको ये ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम के अंदर से हमको सॉल्यूशन कैसे निकला जाए। और सॉल्यूशन हमको यहां से निकलेगा और हमको निकलना पड़ेगा। कैसे? कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा आपके साथ, स्क्रीन शेयर देता हूं मैं, आता है या नहीं आप पे रखा हुआ है। आपको ये दिखाई दे रहा है? इसमें क्या लिखा हुआ है कि योर फ्यूचर डिपेंड्स व्हाट यू डू टुडे, कि आपका भविष्य उसको डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो। आज आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर आपका भविष्य डिपेंड। और एक चीज जो लोग हमेशा बोलता है, फेट। फेट का मतलब हो गया, हम लोग भाग्य बोलते हैं, भाग्य या लाकी, भाग्य बोलो, लाकी मत बोलो, भाग्य बोलो। इसमें दो चीज रहता है, एक होता है कंट्रोल और एक होता है अनकंट्रोल। प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है उसको समझने का कोशिश कीजिए। मैं बोला आप लोगों को पहले कि अगर प्रॉब्लम आने का साथ साथ ही आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए भागेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। पहले प्रॉब्लम को जान लीजिए। डॉक्टर और साइंटिस्ट तभी कोविड का वैक्सीन निकाल पाया जब इन लोगों ने जाना कि ये वायरस है क्या, तब जाके ये निकला। नहीं तो जिस दिन कोविड आया था 2020 मार्च में बरस है, तो अप्रैल में ही वैक्सीन आ जाता, लेकिन नहीं, लोगों को टाइम लगा। तो
तो हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन निकाले, दो तरीके होता है। कुछ चीजों को होता है कि हम कंट्रोल कर सकता है, कुछ चीजों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसमें छुपा है कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालें। समझिएगा चीजों को अच्छी तरह से। पहला चीज है कि मेरा जन्म से पहले मुझे पता था कि मेरा पेरेंट्स कौन होगा, मेरा माताजी पिताजी, किसी को पता था? यहाँ पे अनकंट्रोल है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, आपका बस का बात नहीं है, आपको बाहर है, आपको पता ही नहीं है कौन होगा। माय बर्थ प्लेस, मैं कहां पे जन्म लूंगा, मुझे पता नहीं था और मुझे पता नहीं चला गया, मेरा कंट्रोल में नहीं है मुझे कहां जन्म होना है। मैं जापान में भी जन्म हो सकता है, मेरा बांग्लादेश में भी हो सकता है, नहीं तो जर्मनी में भी हो सकता है। अनकंट्रोल है भाई जी, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। माय जेंडर, मैं लड़की हूंगा या लड़का हूंगा, कंट्रोल में था? कंट्रोल में नहीं था और होगा भी नहीं कभी जिंदगी में। मैंने कुछ एग्जांपल दिया, ऐसे हजारों एग्जांपल्स है। टाइम ऑफ बर्थ एंड डेथ, मैं कब जन्म लूंगा, किस टाइम पे मैं जन्म लूंगा, किस दिन में जन्म लूंगा, कौन सा साल में जन्म लूंगा, ये मेरा बस का बात नहीं है, अनकंट्रोल है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं इसके लिए कि अपना भाग्य को दोष दूंगा? नहीं। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कुछ लोग कि सर ये मोदी केयर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। बताता हूं, अभी कंट्रोल कौन को क्या कर सकते हो, मैंने दो तीन चीज लिखा है कि मुझे लस्सी पीना है या नींबू का शरबत पीना है, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कर सकते हो या नहीं? मुझे लस्सी पीना है या मुझे नींबू का शरबत पीना है, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा बस का अंदर है। मैं मूवीज देखना पसंद करता हूं, मूवीज में जाना चाहता हूं, या मैं थिएटर जाना चाहता हूं, मूवीज मुझे पसंद नहीं है, वो भी मेरा कंट्रोल में है। मुझे फैशनेबल बोलना है, अच्छा ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है और मैं पहनना चाहता हूं, या मैं पहनना नहीं चाहता हूं, मैं हवाई चप्पल पहन के ही चलना पसंद करता हूं, ये भी तो मेरा ऊपर ये डिपेंड करता है। तो लोग क्या करते हैं, फेट भाग्य खराब है। अरे भाई साहब, पहले तो देख लो कौन सा चीज आपका अंदर में है, कौन सा चीज आपका अंदर का बाहर है। अभी वही बात, मोदी केयर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली जुड़ा हुआ है, आज का सिचुएशन में तो बहुत जुड़ा हुआ है। आज मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि 200 के ऊपर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद ये लोग अभी कंट्रोल कर रहे हैं। पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था तब लोग बोल रहे थे कि सर हमको तो जूम ट्रेनिंग में कैसे एंट्री लेना है हमको पता नहीं है, हमको पता ही नहीं है जूम ट्रेनिंग कैसे एंट्री करना है। लेकिन हाथ में और उनका पास एक एंड्रॉइड मोबाइल था, लेकिन सीख सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, वो कंट्रोलेबल चीज था। मैं आज तीन लोगों से फोन में बात करूंगा मोदी केयर में ज्वाइन करने के लिए, मेरा कंट्रोल में है, मेरा कंट्रोल में है। भाग्य को दोष देके फायदा नहीं है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर ही है,
लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कोविड है, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब बहन जी हमने कितने लोगों से आज हमने बातचीत किया, कितने लोगों से हमने मुलाकात किया, चलिए अभी तो मुलाकात नहीं हो सकते, कितने लोगों के साथ हम लोगों ने टेलीफोन में बात किया और कम्युनिकेशन सही रखा, ये मेरे कंट्रोल में था। जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कितने लोगों को आज हमने डेमो दिखाया है ऑनलाइन, कितने लोगों को दो प्रोडक्ट के बारे में हमने सिखाया है, कितने प्रोडक्ट के बारे में खुद दो प्रोडक्ट हमने सिखाए, ताकि मैं बाहर जाके और अच्छा बोल सकूं। जैसे आज रूपज्योति जी ने बताया च्यवनप्राश और अश्वगंधा के बारे में, ये मेरा कंट्रोल में है, सोल्यूशन मेरा हाथ में ही है। ये बिजनेस बढ़ाना, मोदी केयर में आना तो सबसे बड़ा काम है कि आज आप लोगों ने सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है कि आप मोदी केयर में है, लेकिन मोदी केयर को भाग्य का दोष मत दीजिए और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएट नहीं आता है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो प्रॉब्लम का अंदर होता है, कंट्रोल अनकंट्रोल। लोग नहीं सक रहे कौन सा प्रोडक्ट किया है, बिलिंग कैसे करे, अगर दो फोन घुमा के मैं बात कर लूं वो बंदा बिलिंग करने के लिए तैयार है, उसको मिल जाए। लोगों को पता नहीं है रीपर्चेज लॉयल्टी क्या है, मैं फोन उठा के 10 आदमी के साथ अगर जूम मीटिंग कर लूं तो शायद लोग हमारा साथ जुड़ जाए, बिलिंग करे और हमारा भी सक्सेस होता जाए और हम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हम लोग निकलते जाए। तो सॉल्यूशंस हमारे पास ही है कि जिस चीजों को हम कंट्रोल कर सके इसको हम अच्छी तरह से करें। लोग देखिएगा भगवान का नाम कब लेता है, भगवान का नाम जब बीमार हो जाता है, भगवान मुझे ठीक कर दो। जब पैसा नहीं है, भगवान शिव जी मैं आधा पुआ दूध चढ़ा रहा हूं आपका ऊपर, एक नौकरी लगवा दो, कुछ पैसे दे दो। भगवान मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं हो पा रहा है, फूल चढ़ा रहा हूं उनका करवा दो। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तब भगवान का नाम आता है, और जब सही समय चलता है तब भगवान का नाम नहीं आता है, भूल जाता है भगवान को। तो जो चीज आपका कंट्रोल में है, जब सही टाइम आपका चल रहा है तभी चीजों को ठीक कीजिए, तभी चीजों को ठीक कीजिए। जब अच्छा जा रहा है, मोदी कर में बिजनेस आपका बढ़ रहा है, चेक आपका बढ़ रहा है, तब ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा लोगों से बातचीत कीजिए और ज्यादा जूम मीटिंग कीजिए, ताकि क्योंकि वो आपका कंट्रोल में है और आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका सक्सेस स्टोरी बढ़ेगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको। यहाँ पे एक कोट्स दिया हुआ है, किसी ने आप लोगों ने सुना होगा, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसने बोला था कि लोग जो होते हैं वो भाग्य का बंदी नहीं होता है, बंदी मतलब प्रिजनर्स, फेट उसको बंदी नहीं बनाता है, बट उसका खुद का माइंडसेट, माइंडसेट क्या है, क्या सोचता है उसका ऊपर उसको करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यहां पे कि हम लोग लाइफ में, और एक चीज आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि हम लोग चॉइस क्या लेते हैं, अपना चॉइस का ऊपर वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। सही में अगर आपका चॉइस गलत है तो आपका सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अगर आपका
से गलत है तो आपका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। आपका चॉइस है सुबह 9 बजे उठना, 10 बजे किसी को एक फोन कर लिया, फिर खाना खाया, फिर दोपहर को सो गया, फिर शाम को सिनेमा देखने बैठ गया, मूवीज देखने बैठ गया, फिर आपको 24 या 25 तारीख को याद आया कि यार मेरा नीचे तो डाउनलाइन है, उनको एक फोन करता हो, लॉयल्टी भी तो करना है। तो आपने अपना चॉइस ही बना लिया। आपका सक्सेस स्टोरी यहाँ पे नहीं बन सकता है, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकल सकता है, क्योंकि आपने चॉइस ही गलत किया। आपका लाइफ का सोल्यूशन तभी निकल सकता है अच्छा, जब आपका चॉइस अच्छा हो। जैसे मैंने बताया, भाइयों को दोष देके फायदा नहीं है, जो चीज कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल कीजिए। तो चॉइस क्या है, मैं फिर से एक स्क्रीन आपको शेयर करूंगा। वी आर फ्री टिल वी मेक चॉइसेस। जब तक हम लोग चॉइस करते रहेंगे, कुछ चीज चॉइस करते हैं, तब तक हम लोग फ्री है। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चॉइस कर लो, पर फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन जिस दिन आपने चॉइस कर लिया, चॉइस आपको कंट्रोल करेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैं बोलता हूं, गुणीजन बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाकी मैंने भी किसी से लिया हुआ है, सीखा है, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसने चॉइस किया, मैं राइट प्रैक्टिस करूंगा। अगर आप हमेशा रॉन्ग प्रैक्टिस करते रहेंगे, और क्रिकेट खेल रहे हो आप, क्रिकेट बॉल बैट को मार रहे हो, लेकिन रॉन्ग फुटस्टेप से आपका, तो आप आउट होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपने राइट प्रैक्टिस नहीं किया, आपका चॉइस गलत था। जब तक आप चॉइस नहीं करते हो, आप तब तक आप फ्री हो, लेकिन जिस दिन आपने चॉइस कर लिया, चॉइस आपको कंट्रोल करेगा, आप चॉइस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और लाइटर मोमेंट्स में एक चीज बोल रहा हूं आप लोगों को, मैं किसी को, दिस इज अ जोक काइंड ऑफ वी वांट टू हियर डिस्कशन। तो मैं एक कोई प्रोग्राम ऐसा कर रहा था इंग्लिश में, इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट, तो बोलता है सर मैंने भी एक लाइफ में चॉइस किया। हमने क्या चॉइस किया? बोला मैंने अपना बीबी को चॉइस किया। हमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? बोलते सर अभी वो कंट्रोल मुझे चॉइस करता है, मैं नहीं कर सकता, मेरा कंट्रोल बाहर से हो गया है। नाउ ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चॉइस क्या करते हो। मैं अगर किसी को बुरे व्यवहार करता हूं, बैडली ट्रीट करता हूं, तो क्या हो गया, मुझे भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि मेरा चॉइस गलत था। तो प्रॉब्लम आना ही आना है, क्योंकि मैंने ही प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्योंकि मेरा चॉइस गलत था। मैं अगर सोचता हूं कि मैंने चॉइस किया है, मैंने यह सोचा है कि मैं हर दिन 3-4 लोगों से बात करूंगा, हफ्ते में मैं 3 जूम मीटिंग करूंगा, तो चॉइस आपका सही है, तो लोग आपका साथ आना ही आना है। मैंने चॉइस सही है, मैं जंक फूड खाता हूं तो मुझे तो मोटापा आएगा ही आएगा, मैंने चॉइस किया है, मेरा चॉइस गलत है। इफ आई एक्सरसाइज, मैं अगर एक्सरसाइज करता हूं सुबह उठ के, तो मेरा क्या होगा, गुड हेल्थ होगा और मेरा बॉडी स्ट्रांग होगा, मेरा चॉइस पॉजिटिव है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चॉइस करते हो लाइफ में, नेगेटिव
या पॉजिटिव। सेम थिंग अप्लाइज इन मोदी केयर। आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा। ओ आज बारिश हो गया, ठीक है परसों फोन कर लूंगा इनको, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जे लोग चॉइस को सही नहीं करते, सक्सेस उनसे दूर भागा जाता है। भाई कहावत है ना कि आप सक्सेस का पीछे मत भागो, आप अपना कर्म करते जाओ, काम करते जाओ, चॉइस सही रखो, सक्सेस आपका पीछे भागते हुए दौड़ते हुए आएगा। सेम इन मोदी केयर। कम्युनिकेशन सही रखा, बात किया लोगों से, नया न्यू ज्वाइनी जो भी आ रहा है उन लोगों से 48 घंटे में फोन किया, 72 घंटे का अंदर डेमो आपने दिखाया, फिर इन लोगों को सिखाया कैसे प्रोडक्ट खरीदा जाता है, केवाईसी उनका कंप्लीट करवाया, एनएफटी उसका कंप्लीट करवाया, उनको स्ट्रक्चर बताया कैसे स्ट्रक्चर बनाना जाता है, 4 लेग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपने उसको सही तरीका दिया और आपने चयन सही किया तो आपका भी जिंदगी बेहतर होता जाएगा, आपका पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जो भी बिपता आपका सामने आ जाए। जो अचीवर्स होता है वो हमेशा शॉर्ट टाइम पेन लेता है लॉन्ग टर्म गेन के लिए। मतलब आज अगर मैं थोड़ा पेन लेता हूं, अगर आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ के 5 लोगों से मैं बात कर लेता हूं, और इसका मैं एक टेक्निक में दिखाऊंगा आप लोगों, शायद मेरे पास पीपीटी होगा, लोग बोलते हैं, मैं लास्ट मीटिंग में भी बोला था सर ये टेक्निक क्या है बात करने का और कैसे क्या करे, ये कोविड सिचुएशन है लोगों को फोन करने से सारे चीज बोलते रहते हैं, क्या टेक्निक है दिखाऊंगा। तो अगर शॉर्ट टाइम आप लोग पेन लेते हो, आज का दिन में अगर पेन लेते हो तो लॉन्ग टाइम में आपको गेन मिलेगा। मतलब आज अगर आपने कुछ मेहनत किया, कुछ ये किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो मैंने बताया उसको किया, तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको भी लाखों रुपया का चेक आएगा आपके पास। मैं देखता हूं वो जो टेक्निक है क्या था, वो मैंने कहां पे रखा हुआ है, हाँ दिखाई दे रहा है क्या लिखा है इसमें, हाँ क्या लिखा है, पीलिंग द ऑनियन टेक्निक। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा 8 बजे क्या क्या हम लोगों को बोल रहा है, पिलिंग द ऑनियन टेक्निक। ये क्या है, पिलिंग मतलब क्या, छीलना, और अनियन क्या है, प्याज, प्याज को छीलने का टेक्निक क्या है, ये क्या चीज है, और मोदी केयर के साथ कैसे रिलेटेड है। भाई बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल आ रहा होगा, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि एक ओनियन का ऊपर बहुत सारे लेयर्स होता है, एक लेयर आपने खोला, दूसरा लेयर निकला, फिर और एक लेयर खोला आपने और एक लेयर निकला, ऐसे करते 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 कम से कम 10-12 लेयर एक ओनियन के ऊपर रहता है। सो तो टेक्निक क्या है लोगों को आज के दिन में हम कैसे बताएं। लास्ट का जो मीटिंग था उसमें मैंने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बताया था, आज मैं वो चीज यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आप जब फोन करते हो ना, पहले तुमको ये बोलो, ये इनको ये समझाओ कि पहले आप अगर किसी को बोल दिया कि दादा मेरा नाम ये है, मिस्टर आचार्य जी है, और मैं आपको मोदी केयर में ज्वाइन करना चाहता हूं, आज का दिन में जो कोविड सिचुएशन है शायद बहुत सारे लोग आपको मना कर देंगे, तो
आपको टेक्निक यूज करना है, मतलब एक का बाद एक छिलका निकालना है, जैसे ऑनियन का निकलता है, प्याज का निकलता है, एक का बाद एक छिलका निकालना है। कैसे छिलका निकालना है? पहले आपको ये बोलना है कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं कि आज का सिचुएशन क्या है, यू आर क्रिएटिंग इमोशंस विद हिम, इज एन एम्पैथी नॉट सिंपैथी, कि मैं समझ रहा हूं कि आज का सिचुएशन में क्या है। आपने उनको स्टोरी बताया, एक थोड़ा समझाया, मैं बोल रहा हूं प्रिसाइज, ज्यादा लंबा भी नहीं करने, किसी के पास ज्यादा समय नहीं, लेकिन आपने बताया उसको। लोगों का नौकरी जा रहा है, पैसा नहीं है, फैक्ट्रीज बंद पड़ा हुआ है, शॉपिंग मॉल्स बंद है, थिएटर्स बंद है, एविएशन सेक्टर बंद है, थोड़ा बहुत चल रहा है, टूरिज्म बंद है, मैं चार चीजों का समझ सकता हूं। आपका घर का अगल बगल में भी कोविड है, बट आई फील, लेकिन मुझे लगता है सर इस टाइम पे ना कुछ करना चाहिए। और जब आप ये बोलते हो तो उनका मन में इंटरेस्ट आना, क्या करना चाहिए सर मुझे, या मैडम मुझे लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए। प्रॉब्लम्स का तो आपका ऊपर भी है, आप भी सॉल्यूशन चाहते हो। मैडम और सर जी ने बोला हाँ, तंगी तो है, पैसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने बोला मुझे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ करना चाहते हो, तो शांत है। उस टाइम पे उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो? पहले आपने उन लोगों को नहीं बोला कि मोदी केयर में आओ, ज्वाइन करो, काम करो और लाखों रुपए कमाओ, वो आपको पागल सोचेगा। कोविड के टाइम पे घर में बैठ के पागल लाख रुपए कमा रहने के बाद बोल रहे हैं, आपका तरीका गलत है। सो यूज द पीलिंग द ऑनियन टेक्निक, एक एक छिलका निकालो ऑनियन का। तो जब उन्होंने आपने आपने बोला कि मैं फील करता हूं कि ये चीज करना चाहिए, तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? तो आपने बोला आई वांट, मैं ये चाहता हूं कि आप इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी मोदी केयर के साथ जुड़िए और अपना लाइफ बनाइए, क्योंकि मैं पिछला 3 साल से मोदी केयर में जुड़ा हुआ हूं, मेरा टाइटल है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर और मेरा महीने का इनकम करीबन 2 लाख रुपए आ रहा है, और कोविड का टाइम पे भी मैडम जी मेरा इनकम कमती नहीं हुआ, मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूं आप भी मोदी केयर के साथ जुड़िए, इज दैट ओके? ये आपके लिए ठीक रहेगा मैडम? यस सर। आपने उनको फोर्स नहीं किया, आपने उनको टेक्निक के जरिए उनको सिखाया कि कैसे काम को करना है। मैं समझता हूं, मैं फील करता हूं, मैं चाहता हूं और ये आपके लिए सही है, तो जिस मैडम को आपने बताया या आपने अपना सक्सेस स्टोरी बताया 2 लाख का, उनका मन में ये तो आएगा जरूर कि पहले कम से कम 2000 या 20000 रुपये तो कमा लो। तो मैडम या सर जी बोलेंगे ठीक है सर, बताइए हमको करना क्या है। आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां से ही निकल लिया, जहां पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे, लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, तो मुझे करना क्या। सो हर चीजों का एक ही सॉल्यूशन है कि मैं चॉइस क्या करता हूं, मेरा चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने चॉइस किया कि इस महीने मुझे 50 लोगों को ज्वाइन करवाना है, मेरा चॉइस सही है, क्योंकि ये कंट्रोल कर सकते हो,
ये कंट्रोलेबल है। अच्छा लोग ज्वाइन 50 आदमी से, हो सकता है कि 40 ने आपको मना कर दिया, वो अनकंट्रोलेबल है, आपका कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। लास्ट एक चीज बोल के आप लोगों को बोलूंगा कि ये चीज रूपजुतो जी और बाकी जितने भी हमारे एएसएम से काफी बार आप लोगों को दिखाया है, लेकिन मैं आज थोड़ा टाइम लेके ये चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स का शुरुआत कहाँ से होता है, क्योंकि हम पहले शुरुआती माहौल में कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं जहां से वो प्रॉब्लम्स का शुरुआत होता है। तो चीज है कि आप लोगों को काफी बार आप लोगों ने ये चीज को देखा है, काफी बार जाना है, लेकिन मैं आज चाहूंगा कि ये आप फिर से जानिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। काफी बार ये चीज देखा है आप लोगों ने कि हम लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, कि प्रॉब्लम का शुरुआत ही कहां से हो जाता है, चॉइस शायद गलत है वो आपका। पहला चीज है, मैं इंग्लिश में जाऊंगा नहीं, मैं पूरा हिंदी में बोल रहा हूं। विल है ना चक्का, विल, जब कोई बहुत भारी व्हील होता है तो आपको घुमाने में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन एक बार आपने उसको घुमाना शुरू कर दिया और चल पड़ा तो आप उसको धक्का देने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। व्हील घुमाना जरूरत है और सही प्लेटफॉर्म का साथ जुड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, सर नया एक कंपनी आ गया है मतलब जो कपड़ा बिकता है, लास्ट ईयर तो मैंने सुना कोई कोई कंपनी बल्ब बिक्री करते हैं, बल्ब, वो बोले एमएलएम कंपनी, सर बहुत पैसा है, सब डूब गए, कभी टेस्ट ही नहीं किया इंडस्ट्री को, कभी जाना ही नहीं इंडस्ट्री क्या है, कौन सा कंपनी के साथ जाना चाहिए, हुई को कैसे घुमाना चाहिए, कौन सा हुई को चूज करना है। तो पहला मिस्टेक तो हम लोग ये कर देते हैं कि एक चूज करने में हम लोग गलत करते हैं, फिर सोचते हैं उसमें पैर डाले या ना डाले। देरी मत कीजिए, मोदी केयर का जैसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, जो मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था, मैंने आपको अगर एक बैलून दिया, बैलून, तो आप आराम से उसको पॉकेट में डाल सकते हो, लेकिन मैं अगर बैलून को फुला दिया हवा देके, आप पॉकेट में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। तो नॉलेज भी ऐसा ही है, नॉलेज भी ऐसा है कि आपका पेट में अगर नॉलेज आ गया तो कोई भी आदमी आपको पॉकेट में नहीं डाल सकता। तो अगर आप सीखना नहीं चाहते हो और सिखाना नहीं चाहते हो तो आपने मिस्टेक कर दिया, आपने प्रॉब्लम्स कर दिए, सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। आपने बोला हम कोई मीटिंग में जाएंगे नहीं, किसी को सुनेंगे नहीं, जरूरत नहीं है मुझे, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, फिर अगर खुद ये जो कॉमन मिस्टेक्स है जो आप लोगों को हमारे जितने भी कॉलिग्स से बहुत बार दिखाया होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का पीछे मत भागिए, पहले प्रॉब्लम को जानिए। प्रॉब्लम आपको अगर पता चल जाएगा वायरस क्या है तो आप वैक्सीनेशन आराम से निकाल सकते हो, मतलब कौन सा मिस्टेक्स आप कर रहे हो अगर वो जान जाओगे तो सॉल्यूशन भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। थिंकिंग शॉर्ट टर्म, बहुत बड़ा नया कंपनी आया हुआ है, बहुत पैसा दे रहा है, शॉर्ट टर्म किया, गया काम से, ये गलती कभी मत कीजिएगा।
लॉन्ग टर्म सोचिए, क्यों वहां पे लिखा हुआ था अचीवर्स टेक शॉर्ट टर्म पेन टू गेन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में उसको ज्यादा सक्सेस के लिए, ज्यादा चेक्स अमाउंट के लिए शॉर्ट टर्म थोड़ा दुख लेता है, पेन लेता है। तो थिंकिंग ऑलवेज शुड बी लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। ये मिस्टेक्स है। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल, ज्यादा लोगों से आप बात नहीं करते, जो मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल। आपको ये बनाना है, चॉइस करना है कि मुझे आज सुबह उठ के 10 आदमी से बात करना है और एक जूम मीटिंग करना है अपना टीम के साथ, बताना है कि कैसे लॉयल्टी करे, कैसे करे। आज 28 तारीख है, आज जीपीबी का लास्ट डेट है। कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने डाउनलाइंस को बताया फोन करके आज सुबह कि भाई साहब आज ईपीपी का लास्ट डेट है, जितना चाहे बिलिंग कर लो, कल से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि सारे लोग ने यहाँ पे किया हो। बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। अगर ज्यादा बात नहीं करोगे, और कोविड के सिचुएशन में आप तो बाहर नहीं निकल सकते, आपका बस एक ही सोल्यूशन है, मोबाइल या लैपटॉप, उसका इस्तेमाल करो अच्छी तरह से। नॉट हैविंग ए बिजनेस ओनर्स मेंटेलिटी, सीना ठोक के बोलो सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हो, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूं। जिस दिन ये सीना ठोक के बोलोगे ना, नेक्स्ट दिन से आपका चलने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं ये मेरा बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। अगर लोगों का बात सुनेंगे, क्या काम कर रहा है, तेल साबुन ही बेच रहा है, नहीं होगा। ये मेरा बिजनेस है, और जिस दिन बिजनेस मेंटेलिटी आपका आ जाएगा, उसी दिन आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। और अगर ये मेंटेलिटी नहीं रहा तो आप मिस्टेक कर रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, सोल्यूशन मिलना मुश्किल। चीजें याद रखना, प्रोक्रास्टिनेटिंग, सिंपल से डेडलाइन होना चाहिए किसी भी चीज में। मैं लास्ट ईयर एक प्रोग्राम कर रहा था, जगह का नाम नहीं बोलूंगा, तो मैंने बोला कि इस साल कौन कौन गाड़ी लेना चाहता है। 60 आदमी बैठा हुआ था, 30 आदमी ने हाथ उठा दिया। मैंने बोला कौन सा महीने में लेने वाला है, तो काफी लोग चिंतित हो गए कि सर ने ये क्या सवाल किया, हाथ तो उठा दिया, अभी बोल रहे कि कौन सा महीने में लेने वाला है। तो किसी ने 5 से 30 आदमी से घट के 12 आदमी आ गया, बाकी लोग 18 लोग बोल ही नहीं पाए कौन सा महीने में लेने वाला है। फिर मैंने पूछा कौन सा तारीख में लेने वाला हो, उसमें से घट के 5 आदमी आ गया। फिर मैंने बोला कौन सा बार, कौन सा डे में लेने वाला हो, 2 आदमी रह गया। और जब मैंने पूछा कौन सा गाड़ी लेने वाले हो, क्या ब्रांड है, क्या मॉडल है, कोई नहीं था। क्यों? डेडलाइन नहीं था, अर्जेंसी नहीं था। मेरा एम्बिशन सही है, मेरा ऑब्जेक्टिव सही है, मेरा गोल सही है कि मुझे इस साल गाड़ी लेना है, लेकिन जब तक डायरी में वो लिखा नहीं गया है कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सा बार और कौन सा मॉडल, तब तक वो गाड़ी मेरे पास आने वाला नहीं है। मिस्टेक किया मैंने, सिस्टम मुझे पता था लेकिन मिस्टेक किया मैंने, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इमीडिएट एक्शन और अर्जेंसी चाहिए आपको, जो मैंने पहले बताया, अर्जेंसी नहीं होगा तो नहीं होगा। और ये जो पॉइंट है, ये तो सबसे खतरनाक पॉइंट है। और लड़की बैठे हुए रो रही है,
एक पिलो लेके रो रही है, क्यों? रिजेक्शन, किसी ने रिजेक्शन के आर्ट में ले लिया। अरे मैं बोल रहा हूं, 10 आदमी को प्लान दिखाओगे, 10 आदमी को फोन करोगे, 2 आदमी आएगा। उसमें से एक काम करेगा तो रहा कितना? एक। अगर एक आदमी भी काम कर लिया और प्लेटिनम डायरेक्टर बन गया, आपका चेक 45,000 और बढ़ गया। सोचिए इस बिजनेस का पावर। तो कभी भी रिजेक्शन को महात्मा मत लीजिए। अरे रिजेक्शन तो खुद का घर से आता है। लेडीज ज्वाइन करना चाहता है तो सासू माँ पति देवर साहब बोलता है, कहाँ जा रहे हो इस बिजनेस में, क्या घर घर में जाओगे? और वही लेडीज ऑल इंडिया में आज पड़ा हुआ है, भरा हुआ, जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू लेके घूमता है, क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन को कभी हार्ट पे नहीं लिया। ये मिस्टेक्स तुम लोगों ने कभी नहीं किया। एक 1,000 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 10 आदमी आपका साथ रहेगा जो अच्छी काम करेगा और प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनेगा, और वही 10 आदमी आपको लाखों का रुपया देगा। आप कभी भी अपने टीम का बिल्डर रिपोर्ट या एनरोलमेंट रिपोर्ट निकाल के देख लो। सो कभी रिजेक्शन को हार्ट में मत ले, डोंट टेक इट बाय हार्ट। नेक्स्ट, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। जो मंदिर में और कहीं कहीं बहुत जगह में लिखा है ना, कृपया यहाँ पे ज्ञान मत बांटिए, यहाँ पे सब ज्ञानी है। वही हाल है, जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको खुद का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे लोग इतने ज्ञानी है जो जो जिंदगी में कुछ नहीं किया वही आपको सलाह दे रहा है। ग्रेजुएशन करके तेल साबुन बच रहा है। अरे भाई साहब, अगर तेल साबुन आज 15 साल पहले आपने भी बेचना शुरू किया होता ना, तो एक मर्सिडीज आपका घर का बाहर भी खड़ा होता, जो आपने नहीं किया। तो जो एक्सपर्ट नहीं है उनसे कभी सलाह मशवरा मत करना, मत लेना। सोच नहीं रखेंगे और नकर तक बात नहीं करेंगे। इसको बोलता है 5:1 रूल। व्हाट इज 5:1 रूल? कि अगर किसी ने एक गलत चीज बोला तो मैं 5 चीज सही बोलूंगा। किसी ने अगर एक गलत चीज बोला तो मैं 5 चीज सही बोलूंगा। मैं बोलूंगा एक प्रोडक्ट नहीं है, किसी ने बोला नेगेटिव बोला, मैं बोलूंगा भाई साहब 600 प्रोडक्ट और भी है, वो एक बार देख लीजिए आप। कंपनी का सामान ठीक ठाक पहुंच रहा है देख लीजिए, प्लान सही है देख लीजिए, पे आउट सही है देख लीजिए। तो टॉकिंग नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव बोलेगा वो हम नहीं करेंगे, ऐसा मिस्टेक हम नहीं करेंगे, हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे। किसी ने आकर एक नेगेटिव बोल भी दिया, हम हमेशा पॉजिटिव ही बोलेंगे। और लास्ट में नॉट मैनेजिंग टाइम, ये हम लोगों को सब पता है कि दिस इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। इसके ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया है काफी, टाइम मैनेजमेंट, इस समय का कैसे सही उपयोग करें। अगर ये हम लोग नहीं कर पाए, दिन भर अगर हम लोग आज नेटफ्लिक्स और बाकी चीजों को लेकर बैठे रहेंगे तो सही टाइम को उपयोग नहीं कर रहे। हमको किसी को फोन करना है, किसी से बात करना है, जूम मीटिंग करना है, डेमो दिखाना है और सक्सेस। दोस्तों काफी समय ले चुका आप लोगों का, और थैंक यू वेरी मच, इतना समय आप लोगों ने दिया। तो एक चीज हमारी ये याद रखिएगा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसका अंदर ही रहता है, वो हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। पहले दिन से सॉल्यूशन का पीछे मत भागो, पहले जान लो कि प्रॉब्लम कहां से क्लियर हुआ है, व्हाई, ये व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्यों और कहां से आया है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा आपका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।